नमस्कार मित्रों, ML क्लासेस की YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं आज आपके लिए मेंसुरेशन 2D के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी लेकर आया हूं, तो आप इनको देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वन मोर थिंग, वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जरूर जाइए, फिर बताना वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, ठीक है। तो मेंसुरेशन 2D के फॉर्मूले सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपके साथ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे, ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए क्या है, हम ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। कोई ट्रायंगल इस प्रकार से है कि ट्रायंगल में हमने तीन परपेंडिकुलर खींच रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से? ए बी और ये बी बी और सी सी, ए ए और बी बी और सी सी। एक्चुअली में ये हमने स्मॉल ए ले लिया है इनको। अब पूछा जाएगा आपसे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो पता होना चाहिए। हम तीनों साइड को अगर ऐड कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारे ये साइड है एक्चुअली में, तो इनको अगर हम ऐड कर देंगे तीनों साइड को तो पैरामीटर आपका आ जाता है, पैरामीटर यानी कि परिमाप। अगर हमें निकालना हो सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, तो हम इन तीनों साइडों को ऐड करके इनको हाफ यानी कि इनका आधा कर देंगे। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं एरिया की, इसी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकालेंगे हम? ये अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कहाँ से आया? ये हमारा सेमी पेरीमीटर होता है एस, और ए बी सी आपके पास साइड है, बस यहाँ पर रखते जाएँ और उसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके सामने एरिया। अगर एरिया आपको निकालना है इसी ट्रायंगल का, तो क्या करना होता है? 1/2 हाइट इंटू बेस, यानी कि 1/2, और जो हाइट होती है ट्रायंगल की ये हाइट, ये वाली हाइट, और बेस ये जो नीचे वाली साइड होती है ये बेस। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ तो ये वाली हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। तो ऐसे ही वो तो आपके ऊपर है, कहीं से भी हाइट ले सकते हैं। तो इसलिए उस ट्रायंगल में देखिए, ऊपर वाले ट्रायंगल में तीन हाइट थी h1 h2 h3, उसी बेस पर मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर कि 1/2 h1a, 1/2 h2b, 1/2 h, इसमें 1/2 नहीं लगाया वो लगा लीजिए, और 1/2 h3c। तो ये आपके सामने, यहाँ से एक रिलेशन बहुत अच्छा निकल के आता है कि अगर आपके पास सपोज तीन हाइट दी गई हैं, आपको तीन परपेंडिकुलर दिए गए हैं एक ट्रायंगल में, और आपको डायरेक्ट उनकी साइड्स का रेशियो बताना है, तो आप जस्ट क्या करना, उन साइड हाइट आपको दी गई हैं, ठीक है, और साइड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उनका रेशियो ले लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, इन हाइट का रेशियो निकाल देंगे इस अपॉन में जाकर, तो इससे आपको साइड मिल जाएंगी ट्रायंगल की, ठीक है। अगर आपसे हाइट पूछा जाए तो हाइट को रेशियो में ले लीजिए, किसी एक को, या तो हाइट देंगे या साइड देंगे, दो में से एक देंगे, तो दोनों में से हम किसी एक को फाइंड कर लेंगे इस तरीके से। अगला आपके सामने बात करते हैं दूसरा पॉइंट की है कि ट्रायंगल में इस प्रकार से ट्रायंगल है एबीसी हमारा, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि एंगल बी साइन बी। अब हम जानते हैं साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है इस साइन बी के लिए हाइट है एच ये, और कर्ण क्या है इसका सी। तो साइन बी बराबर कितना हो गया, एच अपॉन सी, क्लियर। और एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी साइन बी। ये यहाँ से आता है, देखिए क्लियर, अभी मैं इस चीज़ को कन्फर्म कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 ए सी साइन बी, 1/2 ए सी, यानी कि ये ए सी हमने पढ़ा है ना, ट्रायंगल का एरिया बराबर क्या होता है 1/2, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ट्रायंगल का एरिया 1/2 हाइट इंटू बेस, इतना तो पढ़ा ही है। हाइट कितनी है, ये वाली हाइट, और अभी देखो यहाँ से एच हमने क्या निकाला, सी साइन वी, तो इस एच की जगह पे रख दिया सी साइन वी, और ये बी पहले से ही है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, ये हमारे ट्रायंगल का एरिया आ गया। देखिए ये 1/2 बी सी साइन ए, या फिर कहीं से भी बात करते हैं 1/2 ए सी साइन वी निकाल सकते हैं, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर हमें निकालना है तो इनकी जो अब जो दो साइड हैं उनका मल्टीप्लाई कीजिए, साथ में बीच वाला एंगल को लीजिए आप और उसका आधा कर दो, तो ऐसे ही हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। अगली बात करते हैं हम, एक ट्रायंगल में कोई भी इस प्रकार से, मैंने एक बीच में परपेंडिकुलर नहीं है, सिर्फ एक लाइन खींच दी है AD, ठीक है, जो कि सामने वाली भुजा को x अनुपात y के रेशियो में डिवाइड करती है, क्लियर। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया होते हैं, ट्रायंगल ABC का ABD का एरिया, ये वाला आगे देखते हैं, ट्रायंगल ABD का एरिया अपॉन ADC का एरिया, इनके रेशियो जो होंगे आपस में बराबर होंगे, रेशियो आपस में बराबर होंगे, ठीक है, रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, इनके एरिया आपस में इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ इनका रेशियो होगा इस प्रकार से, ठीक है, साइड के रेशियो के बराबर होते हैं, इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल ADC का एरिया जो है उनके साइड के बेस पर डिपेंड करता है, यानी कि x अपॉन y पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपसे, ये हमारे एक
ट्रायंगल है ABCD जिसमें कि एंगल बाइसेक्टर खींचा हुआ है, ऊपर ये एंगल बाइसेक्टर नहीं था दोस्तों, ठीक है, वो सिर्फ एक साइड थी इस प्रकार से कि सामने वाली साइड को वो दो भागों में डिवाइड कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा ये, अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं ट्रायंगल में तो ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में इसकी दो साइड ये अगल बगल की होंगी। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है मैंने कि AV अपॉन BD बराबर AC अपॉन DC। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि AC अपॉन BD बराबर BD अपॉन CD। क्लियर, इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हुआ, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। अगली स्लाइड आपके सामने ये रही, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके टॉपिक में। तो ट्रायंगल का एरिया कहा गया है, तीन मीडियन दी जाती हैं आपके पास। अगर ट्रायंगल में आपके पास तीन मीडियन है इस प्रकार से कि आपको तीनों की साइड पता है ABC, ये तीनों ABC पता हुआ है, पता है आपको, ठीक, ये साइड परपेंडिकुलर है ये भी, तो आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 1/√3 a + b + c का होल स्क्वायर, डायरेक्ट निकाल देंगे। और हाइट निकालने का, ठीक है, हाइट निकालने का क्या फार्मूला होगा इसमें कि हाइट बराबर क्या होगा, a + b + c, अगर हम तीनों को ये ऐड कर देते हैं तो आपकी ये एच के बराबर हो जाती है, ठीक। अब देखिए ये चीज़ आई कहाँ से, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये आया कहाँ से उसके बारे में नीचे एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं क्या होता है, √3, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया हमें पता होता है क्या होता है, √3 a² / 4 जो कि दिखा है, ये दिख रहा होगा आपको। एंड इसी हमने इस a को, ठीक है, ये देखो h बराबर होता है a/√3, ये आपको डायरेक्ट हाइट याद रखें, h बराबर इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी क्या होगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है सभी साइड a होंगी, तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, h बराबर a√3/2। तो और हमें साइड निकालना हो तो साइड क्या हो जाएगी, इस 2 को यहाँ कर देंगे, 3 नीचे, तो 2h/√3, ये क्या आ जाएगा हमारा साइड आ जाएगी इस ट्रायंगल की। अभी इसी a की जगह पे मैंने क्या रख दिया है, 2h/√3, और जैसे ही आप ये चीज़ रखेंगे, ठीक, और आपको पता है कि जैसे ही आपने ये रखा a की जगह पर 2h/√3, और अभी मैंने बताया h बराबर a + b + c जो हमारा है, और जैसे ही आप यहाँ पर पुट कर देंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1/√3 a + b + c का होल स्क्वायर, और ये हमारा ट्रायंगल का एरिया निकल आता है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा होगा, काफ़ी इजी चीज़ है ये, देखिए समझिए, आपको एक अर्ध सेमी सर्कल दिया गया है, यानी कि अर्ध गोला दिया गया है, सेमी सर्कल आधा गोला, जिसमें कि ऊपर दो और गोले इस प्रकार से बनाए गए हैं, और आपसे शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है। कौन सा शेडेड पोर्शन, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो ऊपर ब्लू वाला है ना, ये ब्लू वाले शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है, ये जो मैं रेड रेड कर रहा हूँ जितनी जगह, इस वाली जगह का आपसे एरिया पूछा गया है इसमें, और वही एरिया मैंने निकाला है। तो देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट याद रखिए 1/2 PQ, आपको ये जो दो पी और क्यू ये साइड दी गई होंगी, ठीक, इनका मल्टीप्लाई करके इनको आधा कर दो, डायरेक्ट आपका ये आ जाएगा एरिया, क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगर आपसे सेक्टर का एरिया पूछा जाए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये जो सेक्टर है ये दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे सेक्टर, ये दो सेक्टर का एरिया क्या होगा, π p² + q² / 4, ये सेक्टर का एरिया होगा। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ क्वाड्रिलेटरल की, ये क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, जो कि चतुर्भुज में, और ये दो डायगोनल खींचे गए हैं, चतुर्भुज में आमने सामने के जो साइड ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया आपस में बराबर होता है, दोनों आमने सामने के एरिया के मल्टीप्लाई के, ठीक, इस चीज़ को डायरेक्ट याद रखिए, a1 × a2 = a3 × a4। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ रोम्बस की, ये आपको, ये भी क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली में रोम्बस की तरह दिखा होगा आपको, कि इस रोम्बस में मैंने क्या किया है क्वाड्रिलेटरल में, कि एरिया ऑफ AQCP हमें निकालना है, AQCP इस चीज़ का एरिया। तो किया गया है इसमें सिर्फ दो परपेंडिकुलर आपके सामने इस तरीके से खींच दिए गए हैं, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ठीक। अब ये एक्चुअली में, और मैंने यहाँ से भी ये खींच दिया है, अब आपको दिख रहे होंगे 1, 2, 3 और 4, ये 4 ट्रायंगल बन गए हैं, और हमें सिर्फ 2 ट्रायंगल से मतलब है। तो हम कोई भी इस ABCD जो है हमारा, ध्यान समझना, ABCD, इस ABCD का एरिया अगर हम आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AQCP का एरिया,
ठीक है, ए क्यू सी पी का एरिया, अगर हम ए बी सी डी के एरिया को आधा कर देते हैं। और एरिया ऑफ ए बी सी डी कैसे निकाला जाता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए, टू इंटू ए प्लस बी से निकाल लेंगे हम, ठीक है। अगर इसका एरिया एक पता है, इसका एरिया पता है ए और बी का, तो हम इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा, और अगर इसको हम टू से डिवाइड कर देंगे तो हमें बीच वाले पोर्सन का एरिया मिल जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ दोस्तों समझना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए, मैं आपको उस चीज़ को बता दूंगा। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर तीन सर्कल बने हुए हैं इस तरीके से, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीजीएल मेंस में इसी के बेस्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट आया है कि एक स्क्वायर की आपको साइड दी गई थी और आपसे पूछा गया था ये ऊपर वाला जो सर्कल है इस सर्कल का एरिया क्या होगा या इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। सपोज आपकी साइड है ए, तो ये तीन सर्कल आपको दिख रहे होंगे, चार सर्कल, ठीक है, ये बड़ा वाला और ये दो जो होते हैं अगल बगल वाले, ये दोनों सेम होते हैं और ऊपर वाला छोटा वाला होता है बच्चा वाला। तो ये हमारा जो मोटू सर्कल है सबसे बड़ा वाला, इस मोटू सर्कल का एरिया देखो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ छोटू सर्कल का एरिया जो सबसे छोटा है, तो इस छोटू सर्कल का एरिया क्या होगा, पहले तो इसकी रेडियस निकाल लीजिए। आर बराबर क्या होगा, ए वाई 16, यानी कि इस सर्कल की जो साइड है उसका 1/6 कर दो हम, 16 से डिवाइड कर देंगे तो इस छोटू सर्कल की रेडियस आ जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट, अगर हमें इन उससे दो मीडियम सर्कल हैं R2 निकालना हो, सॉरी ये गलत कर दूँ, मोटो सर्कल ये है, अगर हमें इस मोटो सर्कल का एरिया निकालना हो तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 3ay8, क्या हो जाएगा, 3ay8, हाँ, तो इस मोटो सर्कल का आपकी रेडियस हो जाएगी 3ay8। और जो छोटे छोटे मीडियम सर्कल आपको दिख रहे होंगे इनकी रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, a/6, यानी कि उस सर्कल जो हमारा जो स्क्वायर है उसको हम 6 से, उसकी साइड को अगर हम 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उसकी रेडियस मिल जाती है, R3 मिल जाएगी, यानी कि इन वाले सर्कल की रेडियस दोनों की ही सेम होगी क्योंकि ये दोनों ही है। अब इनका देखो मैंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया है कि R1:R2:R3, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:18:8, अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो आपको यही रेशियो देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपसे इन्हीं सर्कल के अंदर जो इस्टेब्लिश रिलेशन क्या है, इस चीज़ को समझिए, देखिए कैसे ये मैंने जो लिखा इस चीज़ को समझिए आप। अगर आपके सामने दो सर्कल कुछ इस प्रकार से दिए गए हों, क्लियर, और एक छोटा सर्कल यहाँ बना हो, थोड़ा मैंने अलग बना दिया है, ऐसे समझिए ये एक सर्कल है एक ये सर्कल है, ठीक, आपस में दोनों टच कर रहे हैं और उनके बीच में एक सर्कल ऐसा बनाया है, ये भी टच करता हुआ है इसको, और यहाँ से ये गई है साइड आपकी स्पर्श रेखा जिसको बोल देते हैं, ये देखो दोनों से टच होकर जाएगी स्पर्श रेखा, थोड़ा मैंने अजीब सा बना दिया है भैया, ये स्पर्श रेखा है जो टच कट नहीं हो रही है एक्चुअली में, सिर्फ स्पर्श कर रही है। आपसे अगर इस सर्कल की रेडियस पूछी जाए तो ये निकालने के लिए तरीका है, और ये हमारा R1 होगा, ये यहाँ पर R2 होगा दोनों सर्कल में, और आपसे ये R निकालने को कहा जाए तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, 1/√R=1/√R1+1/√R2। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक फिगर दिख रहा होगा लेकिन बहुत इजी है। आपसे पूछा गया है इस शेडेड एरिया, शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है, जो छपा हुआ एरिया है ये वाला सिर्फ, तो आपको अगर ये स्क्वायर की साइड दी गई है ए, ठीक, क्योंकि ये स्क्वायर में ही पॉसिबल है, ट्रायंगल में भी हो सकता है, ट्रायंगल के लिए अलग प्रॉपर्टी होगी, अगर स्क्वायर की बना है तो आप सिर्फ स्क्वायर का एरिया का इसका स्क्वायर कर दो ए का, ठीक है, स्क्वायर की जो साइड है उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए, वही आपके शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा, खत्म कहानी, इतना ही सही था बस इसमें। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ एरिया की, कि एक सर्कल के अंदर आपका क्वाड्रिलेटरल बना है, चतुर्भुज बना है, फिर उसके अंदर सर्किल, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर सर्किल, तो इनका जो रिलेशन देखो कैसे बनता है, इस चीज़ को यहाँ पर मैंने समझाया है। देखिए क्या, एक सर्किल और एक स्क्वायर अंदर जो बना हुआ है इसका जो रेशियो होता है वो π/2 होता है, क्लियर, π/2। अब ये देखो आगे बनते जाते हैं इस प्रकार से, कैसे एक सर्किल और एक स्क्वायर का एरिया का, एरिया का रेशियो दे रहा हूँ मैं आपको, ये 4π, तो ये हो जाएगा 8 आपका, ठीक, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 8 और सर्किल का 4π। नेक्स्ट अगर मैं आपके इसी अगले की और आगे बनते जा रहे हैं, जैसे कि देखो इसमें बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको बस दोगुना करते जाइए, ये 8π हो गया, और अगर आगे बढ़ता जा रहा है तो इसको 16π कर देंगे, और देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम ये डबल होते जा रहे हैं, जितने सर्कल होंगे उस हिसाब से ये बढ़ता जाएगा।
नेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इस लीफ का एरिया एक स्क्वायर के अंदर इस प्रकार से लीफ बनाई जाती है, ये पत्ती होती है, ये वाली पत्ती। तो इस पत्ती का जो एरिया होता है वो क्या है, उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर समझाया गया। देखिए कहाँ से, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर के अंदर ये लीफ बनी हुई है। अब इस लीफ का एरिया कैसे निकाला है इस चीज़ को आप देख लीजिए, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। 4 by 7 a² डायरेक्ट आप याद रखें। सपोज आपके स्क्वायर का एरिया, आपको साइड दी गई है 7, ठीक, आपसे कहा गया इस पत्ती का एरिया बताओ, तो आपको क्या करना है, इसी 7 का स्क्वायर कर देना है बस। 4 by 7 7² इस 7 से 7 ये ख़त्म हो जाएगा और 7 × 4 = 28 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर, इस पत्ती का एरिया निकल आएगा। कोई भी चीज़ अगर दोस्तों ना समझ में आए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अब इसमें भी देखो वही समझाया गया है कि एक पत्ती का एरिया हम जानते हैं कितना होता है, 4 by 7 a² भी, ठीक, जो भी स्क्वायर की आपकी साइड है, ये स्क्वायर की जो भी साइड होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 4 पत्तियाँ बनी हुई हैं, तो चारों पत्तियों का एरिया कैसे, किस तरीके से निकाला गया है मैं आपको बता देता हूँ। देखो 4 by 7 a² तो हमारी एक पत्ती का एरिया हो गया, अगर हमें 4 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर दो बस। आप इसको भी याद मत रखो, सिर्फ इतना याद रखो मैं बता देता हूँ आपको, बस इस साइड पर डिपेंड करेगा इसकी साइड क्या है एक स्क्वायर की, क्योंकि ये पूरा बड़ा स्क्वायर है। अगर सपोज पूरे की साइड 4 है तो आधे की 2 होगी, यस, अगर आधे की 2 है, ये आधे की अगर साइड 2 हो गई तो यहाँ पर हम एक की जगह पे क्या रख देंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक, और हमें 4 का निकालना है तो इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों पत्तियों का एरिया आपका निकल आएगा। क्लियर, इसको मैंने और सिंपली तरीके से बता दिया है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम एरिया। ये तीनों फिगर बहुत ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं आपसे कि एक अर्ध पर सेमी सर्कल के अंदर बनाए जाते हैं 3 आपके कुछ इस तरीके से फिगर, कि एक तो बनाया हमने मैक्सिमम साइड का ट्रायंगल और एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर और मैक्सिमम साइज का सर्कल, इन्हीं 3 सेमी सर्कल के अंदर, अर्ध गोले के अंदर। तो सबसे ज़्यादा एरिया जो होगा वो ट्रायंगल बनाया गया इसका एरिया होगा, उसके बाद इस स्क्वायर बनाया गया स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, और फिर सर्कल का एरिया सबसे लास्ट में होगा। देखो तीनों के ये एरिया यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर। किसी भी सर्कल में हम इस सेक्टर का एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालेंगे आप, पाई आर स्क्वायर और थीटा जो बीच में एंगल बन रहा है अपॉन 360, ये हमारा एरिया ऑफ द सर्कल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हमें कोई चाप निकालना हो, यानी कि अर्क जिसको बोलते हैं, एल लंबाई ये वाली चाप है ये, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 πr, यानी कि इसकी परिमाप, इस सर्कल का परिमाप, इंटू थीटा अपॉन 360, जो बीच में थीटा डिग्री एंगल बन रहा है उसको लिखिए, और ये 360 में से बनता है तो अपॉन 360 लिखेंगे। नेक्स्ट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब ये माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के एरिए आने लगे हैं एग्जाम में, तो ये है माइनर सेक्टर, नीचे वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला छोटा जो जगह है मैंने रेड रेड कर रखा है, ये माइनर सेक्टर है हमारा। तो माइनर सेक्टर का एरिया निकाला गया है कैसे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यानी कि इस वाले एरिया को हमने क्या किया है, घटा दिया है किससे, 1/2 r² साइन थीटा से, इस पूरे एरिया से। क्लियर, देखिए फिर से समझो मैं आपको बता देता हूँ, इस पूरे एरिया से मैंने सिर्फ इतना ही ट्रायंगल हटा दिया गया है, तो बस वही चीज़ मैंने यहाँ पर दर्शाई है। नेक्स्ट मेजर सेक्टर की बात करते हैं अगर आपसे हम, तो देखिए इस पाई आर स्क्वायर, अब ये बड़ा वाला एंगल है जो अल्फ़ा अपॉन 360, ठीक है, ये वाला, ये तो हमें चाहिए है पूरा, लेकिन हमें उसमें से ये वाले ट्रायंगल का जो एरिया है ये हटाना होगा, तो 1/2 r² साइन थीटा ये हमने हटा दिया इसमें से। यहाँ पर आई थिंक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट आपके सामने स्लाइड आती है, ये ट्रायंगल, 3 आपके सामने सर्कल बने हुए हैं और तीनों सर्कल की रेडियस को जोड़कर मैंने उनको एक बीच में ट्रायंगल बनाया गया है, और ट्रायंगल के बीच में छपने वाला जो बीच में एरिया है ये छोटा सा, इस एरिया, ये एरिया क्या होगा, तो ये देखो डायरेक्ट आप याद रखिए, या फिर आपको समझना है तो समझ लीजिए, मैंने बता भी दिया है कि तीनों सर्कल का एरिया, तीनों सर्कल का एरिया निकाला, उसके बाद हमने पाई आर स्क्वायर में से घटा दिया है, यानी कि तीनों सर्कल का एरिया नहीं, सॉरी, इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक, इस ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों जो सेक्टर हैं ये हटा दिया गया है, ठीक है, तो आपका ये निकल आया शेडेड पोर्शन का एरिया, इस वाले शेडेड पोर्शन का एरिया। तो डायरेक्ट आप याद रखिए, r² √3 - π/2, r क्या है, इस सर्कल की रेडियस, और सभी जगह r जो है हमारी सेम होगी इस अंदाज में।
नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ, अगर इसी तरीके से चार सर्कल आपके जुड़े हुए हैं और बीच वाले सर्कल, जो बीच वाला जो एरिया है, छपा हुआ एरिया, शेडेड एरिया, उस एरिया का, उस जगह का, उस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, तो 4 - π r² डायरेक्ट याद रखेंगे, जहाँ पाई की मान आप 22/7 रखिए, ठीक है, 4 - π r² और आया कैसे है, मैंने समझा रखा है कि इस स्क्वायर के एरिया में से क्या किया है, इन चार जगह के एरिया को घटा दिया है। अब ये देखिए, ये चार जगह होती क्या है, ये पूरा एक सर्कल ही तो बना लेंगे आपस में, तो बस एक सर्कल के एरिया को घटा दिया गया, आंसर आ गया इतना। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ पथ, अगर आपके किसी पथ रास्ते से, ग्राउंड से दो रास्ते इस प्रकार से निकले हुए हैं जो एक दूसरे को काट रहे हों, बीच में W साइड है उनकी, चौड़ाई जो है वो W है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है L + B - W × W, ठीक है, एरिया ऑफ पथ L + B - W × W, यानी कि इस W को हम पहले घटा भी देते हैं और बाद में इसका मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द आउटर पथ, ये आउटर पथ, इस वाले पथ का एरिया, ये अंदर कोई एक जगह है, ग्राउंड है, उसके चारों तरफ हमने इस प्रकार से चार दीवारी बना रखी है, तो इस चार दीवारी का एरिया क्या होगा, इसके लिए बताया गया है। तो चार दीवारी का एरिया क्या होगा, L + B + 2W, यानी कि ये जो साइड हमने ली है, बीच में चौड़ाई ली है अगल बगल की, इसको 2W करके लेते हैं, 2W × 2W, क्लियर। नेक्स्ट अगर आपसे कहा जाए इनर पथ का एरिया, तो इनर पथ का एरिया यानी कि अगर ये बाहर एक हमारा ग्राउंड है और इसके अंदर मैंने ये इस प्रकार से एक छोटा सा ग्राउंड और बना रखा है, अंदर बनाया है, तो इस अंदर वाले पथ का एरिया क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिए कोई चीज़ बढ़ा रहे हैं तो प्लस करते हैं और घटा रहे हैं तो हम माइनस कर देते हैं, तो बस देखो वही चीज़ सेम है, ठीक। नेक्स्ट है सिलेंडर का एरिया दिया गया है आपके सामने, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr, सभी को पता होता है, आप भी समझ लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πr और h + r, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की अगर बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² h। तो इतना वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर बताएं मुझे कमेंट करके। अब मैं आपके लिए लाऊंगा मेंसुरेशन 3D के फॉर्मूले का वीडियो, तो मेंसुरेशन 3D का फॉर्मूला का वीडियो बहुत जल्द आएगा, आप उसके लिए तैयार रहिए देखने के लिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, नए जोश नए उमंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।